आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून का समय बिताया। याद है वो दिन जब हम फूल देई छम्मा देई करते लोगों के घर घर जाते और वो आग के चारों ओर कैसे घूम घूम के होली गाते। खो गए हैं वो दिन, खो रहे हैं वो त्योहार, जब से हमारे सर में शहरों का शोर हुआ है सवार। आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये मुझे अपने पहाड़ अल्मोड़ा ने सिखाया। सो गाइस, ये है मेरा अल्मोड़ा। पथरी हो रही है तो मैं बियर सूख दे रहे वहां। सो गाइस, बिनसर से वापस आते वक्त यहाँ पे हम डाना गुलजू के थान में आए हुए हैं। इस मंदिर की स्टोरी यह है दोस्तों, ये गुलजू का मंदिर है, बैराड़ गुलजू। जो गुलजू कौन थे, हमारी और तुम्हारी तो एक इंसान थे जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, तो वो यहाँ पर अपनी भैंस चराने के लिए आए हुए थे इस जगह पे। तो उनके बहुत जो होते हैं, जब आध्यात्मिक शक्ति होती है तो लोग दुश्मन भी उतने बन जाते हैं। तो किसी ने छल कपट से उनकी भैंस में के पाँव में कील लगा दी। सो गाइस, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई बिजी ने। तो यहाँ पे जो ये गेट दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लोग, ये जो गेट हैं इतने सारे, ये सारे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बनवाते हैं, और जो भी गेट बनाता है तो अपना नाम लिख देता है, कोई सौजम्मी से ऐसा लिख देता है। तो यहाँ पर हमने बड़ा देखा, एक नागुली फागुली पालकाई नमो, ये गुलजू के दो भैंसे बहुत फेवरेट भैंसे थे, नागुली और फागुली। नागुली फागुली उनके गुलजू के भैंसों का नाम है, भैंसों के नाम है। तो जिन्होंने ये गेट बनाया होगा तो उन्होंने उनके नाम, गुलजू के जो भैंसे थे उनका नाम लिख दिया पालकाई, मतलब नागुली फागुली पालकाई नमो। अच्छा, पाले ठहरे दो भैंस, है ना। तो वो जब कील लगा दी तो भैंस लचक लचक के चल रही थी, तो गुलजू ने बोला यार भैंस क्यों लचक लचक के चल रही है। तो उन्होंने देखा तो वो कील जो है हाथ से निकली नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो हाथ से नहीं निकल रही है, तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और अपने मुंह से ही कील निकालने के लिए, दांत से पकड़ने के लिए अपने नीचे झुके। उतने में ही उनके घर के किसी परिवार ने, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, उन्होंने उसी कुल्हाड़ी से उनकी हत्या कर दी। तो इसी स्थान पर वो हत्या करी गई थी। तो इसीलिए गांव वाले बोलते हैं कि ये सारी जो पत्थर हैं जितने, ये इनकी भैंसें हैं, उनकी भैंसों ने पत्थर का रूप धारण कर लिया और यहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया। उनका धर यहाँ रहा और उनका सर जो है कपड़खान गिरा, वहाँ पे भी उनका एक मंदिर है। हाँ, मंदिर है छोटा सा। उनका पैतृक गांव कुटला कोट कोटुला में हुआ। अच्छा, जो गुलजू गैराड़ गुलजू का। अच्छा, और जब भी आप दोस्तों आते हो बिनसर महादेव तो आप जरूर यहाँ भी विजिट कीजिए, काफी अच्छा मंदिर है। अच्छा, आपने देखा जैसे कि अच्छा बनाया हुआ है, एरोमा भी अच्छा है, एक अपने आप में एक संस्कृति है वो, अगर आपको लोग अच्छी लगती है तो आप जरूर आइए यहाँ पे। सो गाइस, गैराड़ गुलजू के बाद अब हम आ गए हैं कसार देवी। तो कसार देवी में अभी थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पर चल रहे हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ पर हमने चावल और दाल चने की सब्जी, उपकार कैफे में बैठे हैं अभी हम। तो फिलहाल खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर कसार देवी में आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, वहाँ टेम्पल वगैरह देखेंगे और वहाँ से व्यू पॉइंट्स वगैरह देखेंगे। मनोज भाई कैसा हो रहा है कुमाऊनी भात दाल? लाजवाब भाई, कभी आप यहाँ पर आओ तो प्लीज़ ट्राई करिएगा भात दाल, एकदम पुदीने की चटनी के साथ। जो दिन की थकान है, मतलब पुदीने की चटनी से गायब कर दी पूरी। पुदीने की चटनी तो अच्छा है, तो सही है पुदीने की चटनी। तो मतलब आओ तो पक्का एक बार ट्राई करना। सो गाइस, अब हम आ गए हैं कसार देवी टेम्पल। जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने, यहाँ पे एक टेम्पल की अलग ही स्टोरी है, यहाँ पर अलग प्रकार की एक वाइब्स हैं, बोलते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, कि यहाँ पे जो भी बैठता है उसको एक अलग ही प्रकार की वाइब्स का एक्सपीरियंस होता है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, देख के आते हैं कैसी वाइब्स है और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और प्लस यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ से दो गेट हैं कसार देवी के, एक तो वहीं नीचे वो जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, वही रोड से ही है, और एक थोड़ा सा रोड से ऊपर आके नया गेट बना हुआ है। तो अभी हम नए गेट से अंदर जाते हैं और देख के आते हैं माता के भव्य दर्शन करके आते हैं। आप लोग अगर आए हो कभी कसार देवी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ वो भी आप जरूर बताना। और अगर आप अल्मोड़े के हो तो दाजू पक्का फोन तो छोड़ो, कमेंट करो और वीडियो को तुरंत शेयर कर दो आगे। कैसा? ये मंदिर का प्रांगण है आगे, काफी बड़ा प्रांगण है, और यहाँ से जो व्यू मैं बता रहा था आपको वो व्यू और भी ज्यादा सुंदर दिख रहा है, ये देखिए। सो गाइस, ये है मेरा अल्मोड़ा। सो गाइस, ये बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान किया था किसी जमाने में अपनी यात्रा के दौरान। सो ये जस्ट एकदम माता के मंदिर के बगल की जगह है। ये है यहाँ पे भव्य मंदिर माता रानी का, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है,
इसलिए हमने अंदर की वीडियो नहीं बनाई है, बार बार से दिखा देते हैं। बहुत बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे कसार देवी में। जैसे थोड़ा सा आप शिवजी के मंदिर को आते ऊपर को, ये पहले मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ। मैंने भी अभी देखा, भाई ने बताया, मनोज भाई ने, कि भी रिसेंटली बना हुआ है। तो अगर आप लोग मेडिटेशन वगैरह करना चाहते हैं, जो लोग मॉर्निंग में आते हैं यहाँ पे, तो ध्यान करने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है वो चट्टान के आगे। ये देखिए, तो गाइस ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये कोसी डैम है, कोसी रिवर पे बना हुआ है, हाल ही में ही बना है। मैंने भी अपने जमाने में इसको उस बारे में सुना था कि अच्छा 3-4 साल हो गए। हाँ 3-4 साल हो गए। तो ये काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पे लोगों को पानी की समस्या से दूर करने के लिए। और यहाँ से पूरी अल्मोड़ा सिटी दिख रही है, बहुत अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे आके लोग, कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, बट अगर जब भी आप आओ तो यहाँ पे आराम से आना, बिकॉज थोड़ा स्लिपरी भी है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक शाही देवी टेंपल भी है, आपको मौका लगे तो ज़रूर जाना। यहाँ से उसकी चोटी दिख रही है, मैं अभी दिखाता हूँ। उसकी चोटी में जो है शेर का एक आकृति दिखाई देती है, तो इसीलिए वो बहुत फेमस भी है। सो गाइस यहाँ पे जो टॉप है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, यही इस पहाड़ की चोटी है, और इसके ऊपर ये शिव जी का मंदिर है, साथ में भैरव भगवान का मंदिर है। और इतना अमेजिंग फीलिंग है यहाँ पे। मैंने अभी अंदर बैठ के मेडिटेशन किया 5 मिनट, मतलब बिल्कुल मन के साथ साथ, दिल के साथ साथ दिमाग बहुत हल्का हो गया। कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जगह जगह बैठे रहते हैं। अभी शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में, संध्या काल में, जो बोलते हैं ना, जब सूरज उगने वाला होता है उससे पहले और सूरज अस्त होने से पहले, तो वो टाइम पे लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन करने। काफ़ी अच्छी जगह है, आप जब भी आते हो इधर साइड ना, कसार देवी साइड, यहाँ टेम्पल में ज़रूर विजिट कीजिए, आपको अलग ही तरह की वाइब्स अपने आप पता लगे। सो गाइस कसार देवी के बाद अब हम चिताई मंदिर जा रहे हैं, और यहाँ पर रास्ते में ना जूम ही पड़ता है, तो अगर आप अल्मोड़ा आ रहे हो तो ये भी एक डेस्टिनेशन हो सकती है जहाँ आप घूमने जा सकते हो। मैं तो कई बार बचपन से काफ़ी टाइम गया हूँ, इसलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ जा सकते हो, यहाँ चीता और तेंदुआ और काफ़ी सारे जानवर हैं इसमें अवेलेबल अंदर, तो आप आओगे तो ज़रूर जा सकते हो। यहाँ पर टिकट भी बहुत मिनिमल है। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को अल्मोड़ा में काफ़ी जगह घुमाई, और आपको कौन सी जगह उसमें से सबसे पसंद आई वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप अल्मोड़ा से हो और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और बाकी कल का प्रोग्राम यह है, कल मैं दूसरे एक जगह जाने वाला हूँ, वहाँ की लोकल चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, तो उसके लिए तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं रिलेटेड टू इस ट्रिप और इस वीडियो के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ठोकना तो बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। सो गाइस वहाँ से निकलने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट करके अभी मैं जा रहा हूँ जलना, जो कि अल्मोड़ा के दूसरी तरफ पड़ता है। हम जहाँ कल रुके थे वो दूसरी तरफ था, ये लमगड़ा साइड पड़ता है। तो आज हम जाने वाले हैं सुकून होम स्टे। सबसे बेस्ट पार्ट तो ये देखो, एक नंबर। सो गाइस गाँव एक्सप्लोर करते करते मुझे रोहित भाई मिले हैं। भाई 10th में पढ़ते हैं और अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, क्यों?